नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बाराबंकी 26 अक्टूबर 2020 को शहर के न्यू पालिका बाजार में युवाओं के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत निर्मित मिस्टर बार्बर यूनिसेक्स सैलून का उद्घाटन आज प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार सिंह गोप जी ने फीता काटकर संपन्न किया। सैलून प्रोप्राइटर मोहम्मद ओवेस सलमानी के अत्याधुनिक सैलून का उद्घाटन समारोह के अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अरविंद गोप जी ने कहा कि आज के प्रवेश में महिलाओं से सुंदर दिखने की तरह पुरुषों में भी साज सज्जा का रुझान बढ़ रहा है, जिसके चलते युवाओं के रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें सैलून का काम भी एक प्रोफेशन हो गया है। आजकल छोटे शहरों में भी अत्याधुनिक सैलून में ट्रेड कारीगरों द्वारा बेहतरीन सुविधा लोगों को आसानी से प्राप्त हो रही है। सैलून प्रबंधकों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मंत्री जी ने कहा कि इस कोरोना काल में लोगों को अपने रोजगार की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जिससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इसमें ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सफलताएं इनके कदम चूमे और तरक्की के रास्ते में आगे बढ़े। सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी से आग्रह किया कि इस महामारी से सभी को सतर्क रहना है। इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुख्य रूप से मौजूद लोगों में पूर्व विधायक राम गोपाल रावत, पंकज गुप्ता पंकी, अजय वर्मा बबलू, हशमत अली गुड्डू, अफजल इनाम मदनी, कुंवर जामी, सुरेश गौतम, अजय वर्मा अज्जी, उसामा अंसारी, हाफिज सलमानी, मेराज प्रधान, मोहम्मद दानिश, शुएब सलमानी, इरशाद रज़ाकी, शकील सलमानी, विकास सिंह, विशेन, विशाल चौधरी, मोहम्मद वैस अंसारी, यासिर सलमानी, मोहम्मद अखलाक, शिबू सलमानी, ताज बाबा, मोहम्मद आसिफ, जैद सलमानी, बबलू सलमानी, पप्पू सलमानी आदि तमाम लोग उपस्थित रहे। बाराबंकी से ब्यूरो चीफ हसन रज़ाकी, खास रिपोर्ट।